क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम कार्यकर्ता प्रशिक्षण मध्य भारत द्वारा 2 और 3 फरवरी को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में गुना विधायक मौजूद रहे। वहीं इस शिविर का उद्देश्य विकलांग दिव्यांग बच्चों को देखभाल कैसे करें यह कार्यकर्ताओं को सिखाया जाएगा। उनका समय भी चाहिए, हम मंच में उनको सुशोभित करें, उनको हमारे धार्मिक पर्व जितने भी हम मनाते हैं उस धार्मिक पर्व को हम भी मनाएं। ऐसा कोई किसी प्रकार से प्रतिबंध नहीं है कि जो हमारी डायरी में लिखा हुआ है हम करेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। हमारी सबकी प्रेरणा थी हम दीपावली मिलन समारोह करें, दीपावली मिलन समारोह में हमारे उस पूरे समाज को बनाए, उस दिव्यांग समाज को। तो ऐसे विभिन्न धार्मिक पर्व जो 7 वर्ष में हम मनाते हैं, महिलाओं को भी हमारी सामान्य महिलाओं के साथ में उठना बैठना आना जाना उनकी क्या समस्या है उससे हमारे समाज की हमारे यहाँ सक्षम का प्रांतीय अधिवेशन हो रहा है। इसमें कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग है और ये 2 दिन का कार्यक्रम है हमारा, 2 फरवरी और 3 फरवरी। 3 फरवरी को हमारा समापन। इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें समस्त प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने के लिए मार्गदर्शन हमारे जो अधिकारी लोग आए हैं जो निपुण हैं कि अब दिव्यांगजनों के लिए समस्त प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए हम क्या क्या कार्य और कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको का अपने से जोड़ सकते हैं, कैसे उनको सक्षम बना सकते हैं। क्योंकि दिव्यांगजनों में अपन ये जानते हैं कि हताशा होती है, निराशा होती है, तो उनके उस दिव्यांगता को सक्षम करने के लिए ये हमारी संस्था कार्य करती है।